हमारे भारत देश में भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार हैं और हर एक त्यौहार हमें उमंग उत्साह से भरपूर करता है। उसमें विशेष हमारा रंगों का त्यौहार होली। होली का त्यौहार हमारे जीवन को खुशियों और पवित्रता से भरपूर करता है, जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे हर त्यौहार का एक सुंदर आध्यात्मिक रहस्य भी होता है, जो अपने अंदर जीवन जीने के सुंदर विधियों को समाये हुए रहता है। ये विधियां जीवन को श्रेष्ठ बनाती हैं, लेकिन हम उन त्योहारों के जीवन जीने के तरीके को न जानने के कारण त्योहारों को बाहरी रूप से ही मनाते हैं। इसलिए हमें त्योहार से सच्ची प्राप्ति के लिए उसे विधि पूर्वक मनाना चाहिए। जैसे कि हम होली को दो दिन मनाते हैं और दोनों का रहस्य भी अलग है। पहले हम होली का दहन करते हैं, जहां हम आग में आहुति डालते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे अंदर की बुराई खत्म हो जाए। देखिए, कोई भी अग्नि हमारे अंदर की बुराई को खत्म नहीं कर सकती, परंतु योग अग्नि जरूर कर सकती है, जिसका यादगार छोटी होली है। योग अग्नि का अर्थ है अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में सही विधि से टिकाना, जिससे आत्मा के अंदर की बुराइयां खत्म होने लग जाती हैं। तो ये एक ऐसा अभ्यास है जो स्वयं परमात्मा हमको सिखाते हैं, जिसको हम छोटी होली के रूप में मनाते हैं। तो इस बार हम कोशिश करें कि स्थूल अग्नि में सामग्री डालने के साथ योग अग्नि में अपनी बुराइयों की भी आहुति दें। दूसरा, फिर अगले दिन हम रंगों से खेलते हैं और मिठाई से मुख मीठा भी करते हैं, जिससे हमको बहुत मजा आता है। आइए इसका भी रहस्य जानते हैं। जैसे कि आपने जाना कि पहले हम परमात्मा से योग लगाकर अपने अंदर की बुराई को खत्म करते हैं, तो हम आत्माओं को परमात्मा के संग का रंग लग जाता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व बहुत शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जब मैं आत्मा परमात्मा के रंग में रंग गई, तो मुझे ये रंग औरों को भी लगाना है, जो उनका जीवन भी शुद्ध और पवित्र हो जाए। इसलिए हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, तो वास्तव में हमें दूसरों को परमात्म रंग लगाना है, ताकि दूसरे लोग भी परमात्म प्राप्तियों से वंचित न रह जाएं। फिर हम मिठाई खाते और खिलाते हैं, तो इसका अर्थ है मुख से सदैव मीठा और शुभ बोलना है, किसी के प्रति मुख से कटु वचन ना निकले। तो अब ये सोचने की बात है कि हम कैसे अपने जीवन को वास्तविक में पवित्र और सुखमय सच्ची होली से बना सकते हैं। ये होली दो दिन का त्योहार नहीं, परंतु जीवन भर मनाने का त्योहार है, ताकि हमारा जीवन सुंदर बन जाए। उम्मीद है आप ऐसी होली मनाकर अपने और दूसरों के जीवन में खुशियों की बहार लाएंगे। ओम शांति।